thank you विशो एंड दिस इज कुछ पांडे हर बार की तरह इस बार भी हम फोकस करेंगे ऑन ऑल हेडलाइन दैट मैटर फ्रॉम द लीडिंग डेली दैट इज द हिंदू न्यूज पेपर सो बॉयज एंड गर्ल्स फैमिली मेंबर्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों आपका स्वागत है टू अ न्यू स्टाइलाइज्ड वर्जन ऑफ द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द हिंदू विद द पासिंग डे थैंक्स टू ऑल यूर सपोर्ट वी ट्राई टू एक्सपेरिमेंट वी ट्राई टू डू सर्टन न्यू थिंग्स दैट वुड मेक द लर्निंग ऑफ द करंट अफेयर्स मच मोर इजियर एंड इन दैट एंडेवर वी आर ट्राइंग Tirelessly to do so. So, without further ado, let's start with the discussion. It is the Hindu newspaper, it is the, the New Delhi edition, and the date today is.

पेज uh, 1, 2, 11 वी हैव टू टू हेडलाइंस 13 वी हैव टू हेडलाइंस एंड देन 14 एंड एन एन एटीन वेल यहाँ अगर हम बात करें इन दिस पर्टिकुलर पेपर द हेडलाइंस आर फार एंड फ्यू बिकॉज द इम्पॉर्टेंट पेजेस, 13 एंड 14, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उतनी ज़्यादा हेडलाइंस पिछले एक चार दिनों से नहीं हैं तो आई होप यहाँ पर अगर उम्मीद करें तो बेसिकली उसकी बात हम नहीं करेंगे सो लेट्स बैक लेट्स गेट बैक अगेन टू द स्क्रीन एंड शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड द शो येस देर इज़ अ सरप्राइज देर इज अ अर इज अ ट्विस्ट इन द इन शॉर्ट एंड ऑल्सो इन द अदर न्यू इवेंट्स इज वेल तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा पहला पेज द फर्स्ट पेज सो एवरीबडी ऑल सेट आर यू ऑल सेट इफ येस यू आर ऑल सेट देन एट स्टार्ट ओके एंड सौरभ शर्मा हैज़ वोकन अप अर्ली जस्ट बिकॉज फॉर दिस शो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट चलिए बढ़ते हैं आगे लेट्स टेक द फर्स्ट पेज द फर्स्ट पेज वी हैव रोबोटिक हैंड्स रॉक्स मैन्युफैक्चरिंग क्रेडल रोबोटिक हैंडस रॉक्स मैनुफैक्चरिंग क्रेडल टू डिवलप टू सपोर्ट द मैनुफैक्चरिंग वी हैव अ रोबोटिक हैंड दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय टी एल दैट इज दब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स

Is more than just that. So we have a new robotic handle that would help in the manufacturing, especially in the MSME. This is on the first page. So the headline is robotic hand rocks manufacturing cradle, and the name of the robotic hand is Bravo. So we have a robotic hand that is Bravo. Now Bravo is being developed by TAL, that is the Tata uh, Tata subsidiary of uh, the Tata Motors.

इंडिया इस फर्स्ट इंडिजिनियसली मेड इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबोट फॉर माइक्रोस्मॉल एंड मीडियम प्राइजेस जो आपका एक मैनुफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं येस पीपल कुड भी यूज दे कुड बी स्किल्ड लेबर बट येस वी ऑल्सो हैव अ रोबोटिक हैंड दैट कुड भी सेड एज एज अ रोबोट विच वुड हेल्प इन मैनुफैक्चरिंग इन दस एम ईज उसका नाम है ब्राबू एंड इसको बनाया है बाय द टी एल अब टी का फुल फॉर्म क्या है इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म से हम यहाँ पर नहीं जाएंगे सो बेसिकली टी ने इसको यहाँ पर बनाया है एंड मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आई हैव संजीव चौधरी जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आंसर कर पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर दिखेगा आपको कि इज एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर हिज इज एबल टू यूज़ ए इक्वल टू मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट सो याद रखिएगा टी ए एल हैज़ डेवलप्ड अ रोबोटिक हैंडल एंड दैट रोबोटिक हैंडल इज एंड देख सकते हैं अजय well. so, कंगुलकर भी यहाँ पर है एंड वी हैव सेवल पीपल एज वेल सो टी एल हैज़ डेवलप्ड अ रोबोटिक हैंडल दैट इज कॉल्ड एज ब्राबो न्रावो स्टैंड फॉर ब्रावो एंड यहाँ पर लोग कह भी रहे थे स्टैंड फॉर ब्रावो प्लस रोबोट जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो इसे बनाया है टी एल ने जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर बात करें और आगे बढ़ें इस पर्टिकुलर पार्ट पर कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ बिन डेवलप्ड अंडर दी मेक इन इंडिया कैम्पेन इसे डेवलप किया गया है अंडर दी मेक इन इंडिया कैम्पेन एंड मेक इन इंडिया कैम्पेन से इसकी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सो so बेसिकली इसका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ ब्रावो प्लस रोबोट तो बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है तीन जानकारियाँ हैं पहला ब्रावो ब्रावो इज अ रोबोट याद रखिएगा ब्रावो दैट रोबोट हैंडल हैज़ बीन मेड बाई टी एल विच इज सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी ऑफ ऑफ़ टाटा मोटर्स द दी चेयरमैन ऑफ टाटा टाटा टी एल इज़ बेसिकली मिस्टर आर एस ठाकुर जो कि इसके चेयरमैन हैं एंड बेसिकली इसका मकसद है अंडर द मेक इन इंडिया टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द एम एस एम ई सेक्टर तो इसको अगर हम यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा हम चाहेंगे स्क्रीन पर वापस आ जाएं टी ए एल इज इक्वल टू सब्सिडरी ऑफ ऑफ टाटा मोटर्स इज इक्वल टू चेयरमैन इज इक्वल टू आर एस ठाकुर इज इक्वल टू ब्रावो दैट इज इक्वल टू ब्रावो प्लस रोबोट ब्रावो याद रखिएगा ड्वेन ब्रावो इज इक्वल टू अंडर द मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली इसका जो प्राइस होगा दैट वुड बी अराउंड फाइव टू सेवन लैक्स जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो आइए लेट्स हैव the new format of the insho uh, of the Hindu shorts. So let's have the Hindu shorts of this particular headline. Let's have it. Yes. So let's have the Hindu shorts and this is the Hindu shorts of this particular event. And Hindu shorts apka Yes, the Hindu shorts is of this particular part is Bravo is equal to TAL is equal to subsidiary of Tata is equal to India's first indigenously made industrial articulated robot for micro, small and medium enterprises. Bravo is equal to make in India is equal to Bravo plus robot is equal to ज इक्वल टू आर एस ठाकुर इज इक्वल टू चेयरमन ऑफ टी एल जो यहाँ पर देख पा रहे हैं सो वी हैव देशएस फॉर ऑल ऑफ यू जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दैट इज दंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर हिंदू शॉर्ट्स आई गिव्यू फाइव सेकेंड्स का स्क्रीन शॉट ले लीजिए दैट इज वट इज द फर्स्ट हेडलाइन आई होप यू आर लविंग द न्यू डिजाइन ऑफ आर हिंदू शॉर्ट्स बिकॉज दैट इज फॉर ऑल ऑफ यू दिस इज एच एस द हिंदू शॉर्ट्स चलिए बढ़ते हैं आगे लेट्स नाउ कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन आफ्टर पेज नंबर वन After page number 1 let's go to page number 2 Okay On page number 2 we have this particular headline and that is NDA wants to make India ODF नाउ दिस इज अगेन इट इज अट इज अ स्टेटमेंट बाय अ पोलिटिकल पार्टी बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी फैक्चुअल डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हेडलाइन हमें समझना पड़ेगा कि जो फैक्चुअल डेटा है वो इससे यहाँ पर क्या बेटर है इससे यहां पर क्या चीज़ें हैं जो जानने वाली हैं यस एनडीए दैट इज़ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज़ द अलायंस ऑफ द रूलिंग बीजेपी एंड द अदर अलायंस बट यहां पर यह जानिए कि बेसिकली इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट यहां पर यह क्या है दिस इज दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज़ द ओडीएफ सो एनडीए एनडीए ए वॉन्ट्स टू मेक इंडिया ओडीएफ इंडिया चाहता है कि जो भारत है वो ओडीएफ बनाए जो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर हम ओडीएफ की बात करें तो ओडीएफ स्टैंड फॉर ओपन ओपन डेफिकेशन फ्री इसे हम हिंदी में कहते हैं खुले में शौच नहीं करना सो बेसिकली ओपन डेफिकेशन फ्री दैट इज़ अंडर द स्वच्छ भारत अभियान और यहाँ पर अगर हम बात करें तो uh, बेसिकली मुद्दा यहाँ पर यह है कि दे वॉन्ट इंड दी एंटायर स्टेट्स ऑफ इंडिया टू बी ओपन डेफिकेशन फ्री दैट मीन्स कि हर एक स्टेट भारत में खुले सौ खुले में शौच या खुले में यूरिनेट uh, करना दैट इज़ नॉट अलाउड दैट इज़ वॉट इज हेयर ओपन डेफिकेशन फ्री जो कि यहाँ पर है फॉन्ट हम थोड़ा बड़ा कर देंगे कल से कोई दिक्कत नहीं वी आर ऑलवेज रेडी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स चलिए सिमिलरली बात करें कि द बजट अप्रूवल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इज अराउंड वन लैख 46,000 करोड़ तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओ का फुल फॉर्म तो है ओपन डिफिकेशन फ्री एंड जो बजट यहाँ का है दैट इज़ वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं और अगर हम इंडिया की बात करें हिमाचल एंड सिक्किम आर द स्टेट्स जहाँ पर कि ये ओपन डिफिकेशन फ्री ऑलरेडी हो चुका है सो इन टर्म्स ऑफ द अपडेट इन टर्म्स ऑफ द अपडेट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एन डी पर जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है दे आर ट्राइंग टू मेक इंडिया ओडीएफ ओ डी एफ स्टैंड फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री एंड जो टोटल बजट यहां का है दैट इज अराउंड वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोर नंबर टू एंड नंबर थ्री हिमाचल एंड सिक्किम जो है वो ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन फ्री यहां पर हो चुके हैं नरेंद्र सिंह आपकी फरमाइश राखों पर वी वुड कंटिन्यू विद फॉन्न साइज फ्रॉम टूमोरो वो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो पर दैट इज ओके सो याद रखिएगा एनडीए इज इक्वल टू इंडिया ओडीएफ इंडिया ओ डी एफ इज ईक्वल टू ओपन डेफिकेशन फ्री इज इक्वल टू वन लाख फॉर सिक्स थाउजेंड करोड़ इज ईक्वल टू इलेवन करोड़ टॉयलेट्स इज इक्वल टू हिमाचल एंड सिक्किम ओ डी एफ स्टेट्स तो यहाँ पर दिखा पाऊँ आपको कि अजय कंगुलकर ने लिखा भी हुआ है बहुत सही कि एन डी ए दट इज इक्वल टू नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इज इक्वल टू वॉन्ट इंडिया ओ डी एफ ओपन डेफिकेशन फ्री इज इक्वल टू वन लाख फॉर सिक्स थाउजेंड करोड्स इज इक्वल टू इलेवन करोड़ टॉयलेट्स इज इक्वल टू हिमाचल एंड सिक्किम ऑडियो स्टेट तो यहां पर यह चीज है आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है अगर क्लियर हो गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इसका इन शॉर्ट्स क्या इसका हिंदू शॉर्ट्स क्या है लेट्स हिंदू शॉर्ट्स एंड दिस इज़ द हिंदू शॉर्ट्स येस वी वुड इंक्रीज द फोन्ड एंड द कलर आज के लिए हमें बक्स दीजिए ओ डी एफ इज इक्वल टू ओपन डेफिकेशन फ्री इज इक्वल टू हिमाचल प्रदेश बजट प्रोविजन इज इक्वल टू वन लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ इज इक्वल टू इलेवन करोड़ टॉयलेट्स ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिंदू शॉर्ट्स के अंदर हम जो इसका फोन साइज है एंड जो कलर है उसको चेंज कर देंगे इन द कमिंग डेज बट अभी एक बार देख लीजिए दीज टू दीज टू स्टेट्स आर द फर्स्ट टू डू सो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक बार आप देख लीजिएगा ये चीज़ यहाँ पर है आई गिव यू फाइव सेकेंड्स बिल्कुल केरला भी आपका ओ है पर पहले यही स्टेट्स हुए सिक्किम एंड एंड हिमाचल केरला भी आपका ओ है बट वी आर वी आर गिविंग एग्जाम्पल्स कि हिमाचल और सिक्किम भी आपका यहाँ पर ओ है आई होप इस हिंदू शॉच से आपका क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस हेडलाइन दैट इज दी दैट इज द एन डी ए वॉन्ट्स टू मेक इंडिया ओडीएफ इफ इट इज़ प्रिटी क्लियर देन राइट इट इट इज प्रटी क्लियर येस सर इट इज़ प्रटी क्लियर अंशु सिंह केरला भी आपका ओ है मैं कह चुका हूँ कई बार एग्जाम्पल हमने दिया है कि हिमाचल और सिक्किम भी आपका ओडीएफ है सो आई होप इट इज क्लियर अगर क्लियर है तो राइट ये येस सर इट इज प्रटिक्लियर क्लियर क्लियर फॉर एन ईयर सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ओके चलिए बढ़ते हैं आगे आफ्टर दिस लेट्स कम टू पेज नंबर 11. ओके वन सेकेंड One minute, yes. You are on page number eleven. On page eleven, yes, on page eleven we have the headline HIV law promises equality. हेडलाइन इज एच लॉ प्रमस इक्वालिटी नाउ याद रखिएगा एक चीज़ को कि जितने भी आपके लॉज आते हैं जितने भी आपके लॉज आते हैं उन पर सवाल बनता है सो इन टर्म्स ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट लॉ उस पर सवाल बनेगा सिमिलरली वी हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर द बैकवर्ड कमीशन उस पर सवाल बनेगा सिमिलरली क्वेश्चन बनेगा कि नए लॉ कौन सा तो नया लॉ जो एक आया है वो आया है ऑन दी एच एड्स लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि द पार्लियामेंट पास बिल गारंटिंग नो डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रीटमेंट और जॉब्स ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर हम यहां पर बात करें कि लिखा हुआ है कि विथ पार्लियामेंट पासिंग द ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस एच आई वी एंड अक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बी टू जीरो वन सेवन People living with HIV and AIDS are guaranteed equal rights in medical treatment, admission to education institutions, and jobs. A tremendous effort. I would clap for the government that they have done so. We we, we have we have had ads in which we have seen that uh, there is a there is a boss who is uh, who has fired a person who is uh, who is. Uh, एन एच आई वी पेशेंट एंड ऑल दफिस ऑल द ऑफिस कलीग्स रिजाइन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट तो उस पर्टिकुलर इमेज को याद करिएगा एंड ये जो लॉ आया है दैट इज इन सिंक विद दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेल की वी हैव अ न्यू लॉ दैट इज द एच आई वी एंड द एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल टू जीरो वन सेवन दैट हैज बीन पासड दैट वुड गिव इक्वल राइट्स

Uh, also complemented by UNAIDS. Now UNAIDS is an organization of the UN which looks into the AIDS and the HIV cases and also promotes promotes equality.

और मैं कोट करूंगा यहाँ पर हमारे एक बहुत ही ब्रिलियंट एस्पायरेंट हैं यश गर्ग उनको तो उसको अगर दिखा पाए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने कुछ ऐड भी किया है तो उसको देख लेते हैं स्क्रीन पर आने वाला है आपके चलिए आ, आ जाएगा वर्ल्ड एड्स डे is equal to 1st December, is equal to HIV law, is equal to Health Minister, is equal to J.P. Nadda, is equal to constituency, Himachal Pradesh, is equal to equal rights to all uh, patients and is equal to AIDS prevention control bill 2017, is equal to un-AIDS that is uh, supporting this particular venture. This is very good, well done Yashgar because this is the exhaustive, uh, this is the exhaustive uh, शॉर्ट्स दैट दैट इज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर हेडलाइन जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं हम अपना हिंदू शॉर्ट्स उसको देख लेते हैं वी हैव द हिंदू शॉर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर हेडलाइन यस And this is the Hindu shorts. The headline is HIV law promises equality, parliament passes bill. That is page number 11. And this is the Hindu shorts. That is human uh, immune deficiency virus and acquired immune deficiency syndrome is equal to equal, is equal to AIDS, is equal to prevention and control bill 2017. द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इज जे पी नड्डा एंड अन एड्स इज इक्वल टू द ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन एच आई वी एंड एड जिसको यहाँ पर हम देख पा रहे हैं नितिन जॉय इज ऑल्सो ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन बट हम उनको बाद में यहाँ पर उटअप करेंगे पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि दिस इज़ वॉट इज द हिंदू शॉर्ट्स आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एन ईयर टू एवरीबडी बिकॉज इफ इट इज़ क्लियर फॉर एन इयर यू वुड क्रैकेट इन द एग्जामिनेशन स्पेशली इन द एस बी आई पी ओ जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ओके okay, तो चलिए अब Uh, बढ़ते हैं आगे लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑफ आर हेडलाइन वन सेकेंड द नेक्स्ट हेडलाइन इज अ वेरी शॉर्ट वन इट्स राधा शॉर्ट वन एंड दिस पर्टिकुलर हेडलाइन इज दिस थिंग दिस इज स्पीकर्स वर्क द हेडलाइन इज स्पीकर्स वर्क इसको पढ़ लीजिएगा और आपका हिंदू शॉर्ट्स और हिंदू हेडलाइन बन जाएगा Again, uh, yesterday we discussed about Ashwani Kumar's book, which was launched by uh, Mr. Manmohan Singh, and now we have a book that has been written by uh, the current current Lok Sabha speaker, and her name is and her name is uh, Miss Sumitra Mahajan. She has written a book, and the name of the book is uh, is the name of the book is matoshri

इलेवन दैट इज द न्यूज़ पेज आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी एवरीबडी मेल्स मी अ क्वेरी दैट वेयर टू स्टडी द स्टैटिक पार्ट इन द स्टैटिक पार्ट वी हैव द बुक्स एंड ऑथर्स ऑनस्टली द बुक्स एंड ऑथर्स इज नॉट अ स्टैटिक पार्ट इट इज अ करंट अवेयरनेस पार्ट वो एक करंट अफेयर्स का पार्ट है तो जब तक ऐसी ऐसी बुक्स एग्जाम में आएगी आपकी बिकॉज शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज शी इज़ द लोकसभा स्पीकर एंड शी हैज़ रिटन अ बुक दैट इज़ दी मातोश्री दैट इज़ बेस्ड ऑन अहिलिया बाई होलकर सो हैव एन आइडिया अबाउट अहिलिया बाई होलकर एज वेल शी वॉज द क्वीन ऑफ मालवा शी हैज़ डेवलप्ड वेरियस सॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन महाराष्ट्र सो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार सो so, याद रखिएगा कि बुक इज इक्वल टू मातोश्री इज इक्वल टू ऑथर इज इक्वल टू सुमित्रा महाजन इज इक्वल टू इनोग्रेट इज इक्वल टू बेस्ड ऑन अहिल्या बाई होलकर इज इक्वल टू लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी इन डेली जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक और अपारे कैंडिडेट को एंड वी हैव अर्पिता श्रीवास्तव उसको यहाँ पर ले लेते हैं पी एम नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू बुक इज इक्वल टू मतोश्री इज इक्वल टू ऑथर इज इक्वल टू एल एस पीकर सुमित्र महाजन इज इक्वल टू अहिल्या बाय होलकर इज इक्वल टू दिस वेरी ट्यूजडे तो आप देख पाए स्क्रीन पर कि वी एव टेकन अर्पिता श्रीवास्तव इक्वल टू मेथड जो कि बढ़िया है इसमें आप ऐड कर सकते हैं एंड बिल्कुल जय महाराष्ट्र <laughs> तो बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है अर्पिता श्रीवास्तव का ये एकवल टू मैथड है ओके तो चलिए अब देखते हैं अब हम वापस आते हैं स्क्रीन पर एंड देखते हैं हमारा हिंदू शॉर्ट्स क्या है लेट्स हेव द हिंदू शॉर्ट्स ओके एंड दिस इज द हिंदू शॉर्ट्स कुछ गड़बड़ी हो गए स्पीकर्स वो कोई दिक्कत नहीं लेट्स हैव दी दी हिंदू शॉर्ट्स बुक इज इक्वल टू मातोश्री इज इक्वल टू एल एस पीकर इज इक्वल टू सुमित्रा महाजन इज इक्वल टू बेस्ड ऑन अहल्या बाई होलकर इनोग्रेटेड बाय पी एम मोदी इन डेली ये है हमारा यहाँ पर एक हेडलाइन जिसको आपको देखना पड़ेगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड हम स्क्रीन पर इसको दिखा भी पा रहे हैं आपको एंड uh, स्क्रीन पर है आपके दिस इज वॉट इज द हेडलाइन कुछ फॉर्म में दिक्कत है बट वी आर ट्राइंग न्यू थिंग्स सो कुछ दिक्कतें होंगी बट वी वुड मेक इट सॉलिड फ्रॉम टुमोरो ओके सो आई होप आई गिव यू फाइव सेकेंड्स इसको एक बार आप देख लीजिए एंड आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एन ईयर टू everybody. Everybody इज एबल टू आंसर ऑल दिस questions. चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट हेडलाइन पर लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज अच्छा एक मेरा क्वेश्चन uh, है इज द हिंदू शॉर्ट्स वर्थवाइल्ड इज द हिंदू शॉर्ट्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इफ इट इज हेल्पफुल टाइप येस सो दैट वी कैन इंप्रूव इट फर द इन द कमिंग डेज इफ इज हेल्पफुल चलिए तो आगे बढ़ते हैं लोग लिख भी रहे हैं चलो विभू जी लिख रहे हैं चलो चलते हैं भैया ओके देन लेट्स कम टू पेज नंबर थर्टीन देन लेट्स कम टू पेज नंबर थर्टीन and on 13 we have the headline yes on 13 we have the headline that is gstn data will be totally secure as per the ceo we have the headline gstn data will be secure as per the ceo that is what is the headline clearly stated by uh, by the headline that is gstn data will be totally secure as per ceo now gstn stands for goods and services tax network that is gstn now before discussing, before discussing the headline, of will to the screen. Basically, what is GSTN? GSTN stands for a goods and services tax network. This network is an IT based network for which a company has been set up. This IT based network would help in the calculation of the taxation under GST. जी के अंतर्गत जो टैक्सेशन होगा उसका जो कैलकुलेशन है टू इंप्रूव द स्पीड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द जी सच अ थिंग हैज बीन यूज्ड सच अ थिंग वुड बी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट इज द जी नाउ टी बेसिकली वुड बी सेट अप बाय अ कंपनी अ कंपनी वुड बी सेट अप अंडर द जी दैट वुड बी कॉल्ड एज अ जी कंपनी जिसका कि एक सीईओ होगा एंड दे वुड बी बैकिंग फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आई एंड एन एच सो वी वुड हैव अ प्राइवेट कंपनी that would start an uh, that would start an IT network for the GST taxation that would be called as the GSTN company, the goods and the services tax company. उस private company में कई बड़े banks का हिस्सा होगा, ICICI का होगा, HDFC का होगा. Similarly, that company would uh, has also a CEO जो कि uh, decide कर जो कि decide करेगा by the company officials as well. So ये काम चलेगा यहाँ पर. So basically to make the taxation specially of the GST online इसको यहाँ पर किया गया है. तो एक बार देख लेते हैं कि

परैप्स ऑर्गनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड देन देंट्रल गवर्नमेंट्स सो ये रहेगा आपका जी एस टी एन इसके जो सी ई ओ हैं इस समय दैट इज मिस्टर प्रकाश कुमार तो तीन चीज़ें यहाँ पर हमने देखी पहला जी एस टी एन इज इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसज टैक्स नेटवर्क इज इक्वल टू अ कंपनी प्रोवाइडिंग आई टी नेटवर्क टू स्टेट गवर्नमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड टैक्स पेयर्स इज इक्वल टू इंफ्रास्ट इज इक्वल टू सी ओ दैट इज प्रकाश कुमार इज इक्वल टू फुल प्रूफ डेटा फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जी एस टी एन जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक और लिखी हुई है कि ऑल द पीपल

अगर वालों उनको कोट कर लेते हैं जीएसटीएन इज इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इज इक्वल टू आई टी बेस्ड नेटवर्क इज इक्वल टू हेल्प इन कैलकुलेशन स्पीड ऑफ टैक्सेशन इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्रकाश कुमार इज इक्वल टू एच डी एफ सी प्लस आईसीआईसीआई बैंक टू मेंडर्स एवरीबडी इज़ नाव अ चैम्प यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एवरीबडी इज़ नाव अ चैम्प इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं चलिए एक और ले लेते ले हैं किसी का चलिए लेते हैं निशा राय का जी एस टी एन इज इक्वल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क इज इक्वल टू प्रोवाइड आई टी नेटवर्क इज इक्वल टू सी ओ प्रकाश कुमार इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी एस टी एन इज इक्वल टू आई सी आई सी आई प्लस एच डी एफ सी बैंक तो यहाँ पर ये यह चीजें हैं नाव लेट्स प्रोसीड टू आर हिंदू शॉर्ट्स द हिंदू शॉर्ट्स फॉर दिस हेडलाइन

now this is not a very important headline but it is for your general knowledge that in the current scenario around 42 psus does not have a regular chief that has been stated by that has been stated by uh, one second yes द हैड मिन स्टेटेड इन द मिनिस्ट्री इन द इन द लोकसभा की जो टोटल मिनिस्टर्स जो टोटल आपके एक चीफ्स हैं वो 42 टू पी एस यूज में नहीं है तो लिखा यहाँ पर हुआ है एज मनी एज फॉर टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज इन द कंट्री आर प्रेजेंट फंक्शनिंग विदाउट अ रेगुलर चेयरमैन और एम डी और सी एम डी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक बाबू सुप्रियो सेट So, यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसका हमने हिंदू शॉर्ट्स नहीं बनाया है इसको एक बार इंक्रिप्टेड इन्फो मतलब होता है इन्फो विच इज नॉट विच इज कोडेड जिसको आप डिकोड नहीं कर सकते तो यहां पर हम देखें एज मैनी एज फोर्टी टू सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन कंट्री आर एट प्रेजेंट फंक्शनिंग विदाउट रेगुलर सीएमडी चेयरमैन यहां पर लिखा हुआ पीएस यू स्टैंड फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फॉर एग्जाम्पल एन टी पी सी फॉर एग्जाम्पल ओ एन जी सी फॉर एग्जाम्पल एन एच ए आई सो ऑल दी पब्लिक सेक्टर बॉडीज दैट आर अंडर द गवर्नमेंट दैट हैव एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट और मोर स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट वो जो हैं उनको वहाँ पर करीब बयालीस लोगों के चीफ नहीं हैं बेसिकली ये कहना है बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्ल इंटरप्राइजेज मिस्टर बाबू सुप्रियो उनका यहाँ पर ये कहना है इस पर्टिकुलर पार्ट part पर सो so, यहाँ पर इसका इक्वल टू मेथड तो जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं है आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर क्या है दैट इज़ अडलाइन फॉर टू पी एस यूज डू नॉट है रेगुलर चीफ चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट हेडलाइन पर दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सो हम बढ़ रहे हैं आगे

पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दैट इज वॉट इज अंट वेंचर जिसको ओन करता है एन टी पी सी एंड द बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड उनको ओन करते हैं दोज हैव टाइड अपॉर अ फंडिंग ऑफ वन पॉइंट सिक्स बिलियन यूएस डॉलर फॉर देअर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मेगावॉट मैत्री सुपर थर्मल पा प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश सो बेसिकली एक फंडिंग हुई है And, and that funding has been done to the Maitri Super Thermal Power Project in Bangladesh and the funding is 1.6 billion US dollars. Basically, if we talk about BIFPCL, that is Bangladesh India Friendship Power Corporation Limited, that is a joint venture between NTPC and the Bangladesh Power Development Board or BPTV. एंड जो इन्वेस्टमेंट हुआ है दैट इन्वेस्टमेंट इज डन बाय एक्जिम बैंक फॉर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं दैट इज अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर एस बी तो यहाँ देखें स्टेट ओन पार जैन एन पी सी एन जॉइंट वेंचर बी आई पी आई एफ पी सी एल दैट हैज़ टाइड अप फॉर वन पॉइंट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर फॉर द माइथ प्रोजेक्ट एंड ज्वाइंट वेंचर एन टी पी सी बांग्लादेश का है सिमिलरली जो फंडिंग हुई है वो हुई है बाय द एक्सिम बैंक फॉर वन पॉइंट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ओके थक्कर रोहित हम इंदी रिपीट कर रहे हैं जो एन टी पी सी है और आपका जो बी पी टी बी है दैट इज द बांग्लादेश पार्ट डेवलपमेंट बोर्ड दोव कम अपू फॉर्म अ कंपनी दैट इज बी आई एफ पी बी आई एफ पी सी एल स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको दैट इज बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप पार्क ऑप्शन लिमिटेड ये कंपनी लिमिटेड वो है और फंडिंग की है एग्जिम बैंक तो आइए दिखाते हैं शुभम कुमार जी को यहाँ पर उनको दिखा देते हैं स्क्रीन पर फिर आप शुभम कुमार एन टी पी सी इज इक्वल टू बांग्लादेश इज वेंचर इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर्स इज इक्वल टू बांग्लादेश पी एम शेख हसीना प्रेजिडेंट अब्दुल हामिद एन टी पी सी हेडक्वार्टर डेली में है और जो फंडिंग है वो है मैत्री सुपर थर्म प्रोजेक्ट के लिए और फंडिंग की है एग्जिम बैंक ने इसको भी एक बार देख लीजिएगा और यहां पर देखते हैं किसने और हमें यहां पर बताया वन सेकेंड यस एंड देन वी कैन यूज सत्यनारायण विश्वकर्मा स्टेटस वेल एंड वी हैव अजय कंगुलकर एज वेल एन टी पी सी इज इक्वल टू बांग्लादेश वेंचर इज इक्वल टू फंडिंग इसल टू वन पॉइंट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर्स इज ईक्ल टू वन थ्री टू जीरो मेगा वोट माइत्री प्रोजेक्ट इज इक्वल टू फिफ्टी फिफ्टी पार्टनरशिप बिटवीन बी पी टी बी बांग्लादेश बी पी टी दट इज बांग्लादेश पार डेवलपमेंट बोर्ड एंड एन टी पी सी इज ईक्वल टू एक्जिम बैंक इज ईक्वल टू वन पॉइंट सिक्स बिलियन यू एस डॉलर्स जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन टी पी सी का जो हैड ऑफिस है वो आपका डेली में है और जो आपका फॉर एग्जाम्पल एग्जिम बैंक है दैट इज इन मुंबई दैट इज आप्यूटली करेक्ट तो यहाँ पर ये सारे कोटेशन हमारे पास आ रहे हैं लेट्स टेक वन मोर ताकि हम आगे बढ़ पाएं ओके लेट्स टेक अ कोटेशन ऑफ वन सेकेंड ऑफ वन मिनट यस, ऑफ जहानवी गदवी And the, and it is NTPC is equal to BIFPCL is equal to Maitri Super Thermal Power Project is equal to Exim Bank is equal to 1.6 billion US dollars is equal to BIFPCL a joint venture of NTPC and uh, and BPTB चलिए ये था हमारा quotation of uh, from our span अब देखते हैं हमारे Hindu shorts क्या है let's have the Hindu shorts for this new firms to no इससे पहले वाला this is not that particular thing ये नहीं है हाँ ये भी नहीं है चाहे वो शायद हो सकता है वो miss हो गया हो वापस आते हैं screen पर हम सो बेसिकली याद रखिएगा एन टी पी सी इज इक्वल टू इज इक्वल टू बी पी टी बी बी इज इक्वल टू बी पी टी बी इज इक्वल टू माई थ्री प्रोजेक्ट इज इक्वल टू बी आई एफ पी सी एल इज इक्वल टू वन थ्री टू जीरो मेगावाट इज इक्वल टू जॉइंट वेंचर तो यहाँ पर हमसे लॉल हो गया पर आप भी यहाँ पर देख लीजिएगा क्योंकि आप में से कई स्पाइन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं दैट इज अगेन रेलिवेंट चलिए एक कोट करते हैं और प्रियंका को यहाँ पर वन सेकेंड दैट इज एन टी पी सी प्लस बी पी टी बी इज इक्वल टू वन थ्री टू टू जीरो मेगा वॉट इज इक्वल टू वन सेकंड ये इज इक्वल टू एक्सिम बैंक इज इक्वल टू माइ प्रोजेक्ट इज इक्वल टू बांग्लादेश जो कि यहां पर अगैन इट वेरी रेलिवेंट वापस आते हैं स्क्रीन पर चल लेट्स कम बैक टू द स्क्रीन आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी दो वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हिंदू शॉर्ट्स बट आप लोग ने इसको देख लिया होगा अबाउट दिस पर्टिक्युलर हेडलाइन चलिए बढ़ते हैं आगे ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट one second one minute okay let's go back to a page and on that page we have the headline and that headline is one second and that headline friends is this particular part and this is new firms to get banned tan in a day this is on page number 13 mind you we were, we forgot to mention a headline and that headline is new firms to get पैन एंड टैन इन अ डे ये हेडलाइन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इसको एक बार आप देख लीजिएगा ओके वी आर ऑन दिस हेडलाइन दैट इज न्यू फर्म्स टू गेट पैन टैन इन अ डे नाउ पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर एंड स्टैंड एंड टैन स्टैंड फॉर टैक्स रिडक्शन एंड अकाउंट नंबर सो फॉर न्यू फॉर्म्स है जो फॉर्म्स होंगी दोज फॉर्म्स वुड बी वुड बी गिविन देयर परमनेंट अकाउंट नंबर एंड द टैन दैट इज दस डिडक्शन अकाउंट नंबर ऑन ऑन द सेम डे ऐसा कहना है बाय द सीबी डी टी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वी आर ऑन पेज नंबर थर्टीन सर तो एक बार देखते हैं यहाँ पर है सीबी डी टी दट इज सेंटर फॉर डायरेक्ट टैक्सेज हैजाइड अप विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स टू इशू परमेंट अकाउंट नंबर एंड टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर इन अ डे टू इम्प्रूव द इज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर न्यूली इन कॉरपोरेट बिजनेस तो यहां पर हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर वी आर ऑन पेज नंबर थर्टीन माइंड यू हम एक पेज पहले आए हैं जिसको देख लीजिएगा कि सी जो कि है जो ज, 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 जिसके चेयरमैन हैं सुशील चंद्रा इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसने टाइप किया है विद एम सी ए दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड उससे क्या होगा दे दुड इशू द परमेंट अकाउंट नंबर एंड द टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो कि जरूरी होता है फॉर टैक्स डिडक्शन उसके लिए किया गया है एंड दैट वुड बी पॉसिबल इन सिंगल डे जो कि यहां पर लिखा हुआ है सो so, एक और हेडलाइन है पैज नंबर पेज नंबर थर्टीन पर फिर रिपीट करूंगा पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर टैन स्टैंड फॉर टैक्स डक्शन अकाउंट नंबर ये दोनों एक दिन में किया जाएगा एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द टाया बिटवीन सीबीडीटी एंड बिटवीन एंड बिटवीन एम सी ए सो टी सीबीडी इज द सेंटर फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड द एम सी ए इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और जो वर्तमान चेयरमैन है ऑफ सीबीडी टी दैट इज मिस्टर सुशील चंद्रा तो आई होप uh, इसको देखते हैं यहां पर लेट्स हैव द हिंदू शॉर्ट फॉर दिस हिंदू शॉर्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग येस न्यू फॉर्म्स टू गेट पैन टैन इन अ डे देखते हैं सी बी टी टी इज इक्वल टू सुशील चंद्रा इज इक्वल टू अग्रीमेंट इज इक्वल टू मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेट अफेयर्स इज इक्वल टू पैन एंड टैन इन अ सिंगल डे पैन इज इक्वल टू परमेंट अकाउंट नंबर टैन इज इक्वल टू टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जो कि यहां पर हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं दैट इज अगेन रेलिवेंट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे लेट्स नाउ प्रोसीड आप उम्मीद करते हैं कि आपको दिख गया होगा इसका श्रीशॉप ले लीजिए इफ इट इज क्लियर अब चलिए बढ़ते हैं आगे अब टैन क्या है डिस्कस करेंगे इन डिटेल ऑन इन अ फ्राइडे शो रिमेंबर ऑल द फाइनेंशियल टर्म्स एंड बैंकिंग टर्म्स ऑफ द हिंदू आर डिस्क इन डिटेल ऑन फ्राइडे एवरी फ्राइडे एट 3 पी एम इन द बीबीएम हिंदू वीकली अवेयरनेस शो द बीबीएम इज टेकिंग प्लेस टू डेट सेल्फ टूडे हम फोकस करेंगे ऑन द कंसेप्ट

After page number 14 let's come to one second let's come to page number 18 yes okay that is the last headline and this is this particular part Malala गेट्स UN एन to टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन दिस इज द हेडलाइन gets गेट्स यू ये हेडलाइन पहले की है पर हिंदू में आज आई है क्या बात है तो so, देखते हैं यहाँ पर यू एन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गोतरेस हैज अपॉइंटेड नोबल लॉरिएट नोबल पीस लॉरियट मलाल यूसुफाई दू एन मैसेजर फॉर पीस टू प्रोमोट गर्ल एजुकेशन नाउ एट नाइनटीन शी इज द यंगेस्ट मैसेजर ऑफ पीस जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो वी आर ऑन द लास्ट पेज एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ स्क्रीन पर मैंशन भी है कि मलाला यूसुफ जई हैज बिन गिविन द यू एन ऑनर टू गेट द गर्ल्स एजुके गिविन द यू एन मैसेंजर ऑफ पीस शी इज़ एट नाइनटीज नाइनटीन ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ यंगेस्ट मैसेजर ऑफ पीस जो कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दैट इज अगेन प्रटी रेलिवेंट सो बेसिकली दिस इज द लास्ट हेडलाइन आइए इसका देख लेते हैं हिंदू शॉर्ट्स लेट्स हैव द हिंदू शॉट्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओके वन सेकेंड यस yes. सो so, ये हेडलाइन है आपकी यहाँ पर है यू एस सेक्रेटरी जनरल इज इक्वल टू एंटोनियो गोतरेज इज इक्वल टू मिला यूसुफ जय इज इक्वल टू यू ए मैसेजर ऑफ पीस इज इक्वल टू यंगेस्ट तो ये हम इससे पहले वाला था जो कि स्क्रीन पे आपके आ रहा है कि बी आई एफ पी सी एल इज इक्वल टू बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पा कंपनीज इक्वल टू ज्वाइंट वेंचर्स इक्वल टू एन प्लस बी ये है आपका आगे बढ़ते हैं लेट्स हैव द नेक्स्ट पार्ट यस दिस इज द दी हिंदू शॉर्ट्स यू एन इज इक्वल टू सेक्रेटरी जनरल इज इक्वल टू अंटोनियो गोतोरेस इज इक्वल टू यू एन मै फॉर पीस इज इक्वल टू मलाल यूसफ़ एंड देन वी हैव मला यूसुफ जई इज इक्ल टू नाइनटीन इज इक्वल टू यंगेस्ट सेंजर ऑफ पीस वेल यहाँ अगर बात करें श्रुति जवान जाल पुरानी न्यूज़ है पर हिंदू में आज पहली बार आई है इसलिए हमने इसको मैंशन किया बिकॉज इट हैज़ बीन इट हैज़ कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिंदू पेपर सो आई होप इट इज़ प्रिटी क्लियर टू एवरीबडी चलिए वापस आते हैं हम स्क्रीन पर येस yes. I hope the new changes are worthwhile. Yes, we would take your inputs and improve the show further. So, your inputs are important. You can send us the inputs. ऑन इन द कमेंट सेक्शन वंस द शो इज अपलोडेड तब आप कमेंट्स में लिखें क्या इंप्रूवमेंट करना है सिमिलरली यू कैन ऑल्सो मेल मी एट कुश डॉट पांडे एट अल्टा टू फोर सेवन डॉट कॉम वहां पर हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं सो आई होप दिस इज प्री ओके दिज आर द हेडलाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट एक और जो हेडलाइन है जिसको आपको डिस्कस करना है वो आपके स्क्रीन पर आने वाली है दैट इज पुलिट्स ऑनर्स यू एस सेलेक्शन कवरेज पुलिस ऑन यू एस सेलेक्शन कवरेज ये हेडलाइन है इसको आपको पढ़ना है यू हैव टू मेक अ हैबिट ऑफ यूजिंग द करंट अफेयर्स यूजिंग द इक्वल टू मेथड एंड देन यूजिंग ऑल द अदर थिंग्स इज वेल इसको आप पढ़ लीजिएगा दैट इज द पुलिस द प्राइज इट इज प्रेटी डैम इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन जो कि यहाँ पर है इसको हमने जानबूझ कर यहाँ पर छोड़ दिया है चलिए अब बढ़ते हैं आगे लेट्स नाउ कम टू द हेडलाइंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन टू आर क्विज सेक्शन सो लेट्स हैव द हेडलाइंस दीज आर ऑल्सो न्यू हेडलाइंस Okay, let's start. Think different. The headlines: so Number one, robotic hand rocks manufacturing cradle. Number two, NDA wants to make India ODF. Number three, HIV law promises equality. Parliament passes bill. Number four, speakers work. Number five. फोर्टी टू पी एस यूज डू नॉट है रेगुलर चीफ जो की यहां पर हेडलाइन है जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है दिस इज दिक शॉर्ट टाइम बिल्कुल इसका पिक शॉर्ट ले लीजिए दिस आर द फाइव हेडलाइन फर्स्ट वन ओके एंड क्विज भी इंक्लूड है शुभम कुमार जी क्विज भी है चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर नेक्स्ट पार्ट ओके जी एस टी एंड डेटा विल बी टोटली सिक्योर एज पर सीईओ फ़ॉन्ट uh, छोटा है वो मुझे पता है पर उस उस छोटे फ़ॉन्ट को हम आगे कर देंगे पर्टिकुलर uh, पार्ट part के लिए चलिए न्यू फर्म्स टू गेट पैन टैन इन अ डे एन टी पी सीज बांग्लादेश वेंचर सिक्योर्स वन परसिक्स बिलियन्स डॉलर्स एंड देन वी हैव मलाला गेट्स यू एन ऑनर टू बूस्ट गर्ल्स एजुकेशन जो कि यहाँ पर है uh, शिखा तिवारी थोड़ा टाइम टेकिंग है पर आपको याद रहेगा करंट अफेयर्स ओके okay. चलिए तो बढ़ते हैं आगे दिस इज द चेंज एंड इस चेंज को हम बढ़ाएंगे येस द फॉन्ट वुड भी इंक्रीज परेशान ना हो बिल्कुल द फॉन्ट वुड भी इंक्रीज फ्रॉम टुमोरो चलिए ना लेट्स हैव द क्विज़ सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्विज़ टाइप येस एंड कोई गया अगर हमारे शो से तो मैं याद रखूंगा उसको एंड येस्ट कल उसको फिर परेशान में करूंगा सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्विज सो लेट्स स्टार्ट फॉर द क्विज लेट्स स्टार्ट विद द क्विज एंड लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन The first question, which is India's first indigenously made industrial articulated robot for micro, small and medium enterprises. सवाल यहां पर यह है भारत का जो पहला जो पहला indigenously मेड इंडस्ट्रियल आर्टिकुलेटेड रोबोट है उसका नाम क्या है give गिव यू फाइव again. And एंड answer, द आंसर इज इट इज ब्राबो दैट इज वॉट इज द करेक्ट आंसर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर it has been designed and made by we about show we about bravo so the bravo has been designed and made by which particular organization I'll give you five seconds again and the answer the answer is it is TAL that is subsidiary of uh, Tata Motors next question which two states have been declared open defecation free कौन से दो जो स्टेट्स हैं उन्हें ओपन डेफिकेशन फ्री कहा गया है आल गिव यू अगेन फाइव सेकेंड्स केरला भी है अपार्ट फ्रॉम केरला आर अदर टू सवाल हमारा यहां परिव से अगेन एंड आंसर आंसर इज इज इट हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम बढ़ते हैं आगे वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ अन एड्स का फुल फॉर्म क्या है अल गिव यू फाइव सेकेंड अगेन

the book is based on the life of the book that is written by sumitra mahajan that is uh, matoshri is based on the life of which a famous uh, historical figure that is what is our question i'll give you 5 seconds again and the answer the answer is it is devi ahilya bhai holkar that is the correct answer next question who is the ceo of gstn gstnk ceo kon that is what is our question i'll give you 5 seconds again 5 4 3 2 and 1 and the answer the answer is the answer is it is prakash kumar next question and the and the question dash has tied up with Minister corporate affairs uh, with ministry of corporate affairs to issue pan and tan in a day what is the blank answer i'll give you 5 seconds again and the answer. The answer is it is CBDT has tied up with Ministry of Corporate Affairs, MCA to issue Pan and TAN in a day. Next question. Who is the present chairman of CBDT? CBDT present chairman hai That is what is our question. I'll give you five seconds again. And the answer? The answer is it is Shushil Chandra. Next question. What is the full form of TAN? That is T A N. What is the full form of tan? I'll give you five seconds again. And the answer? The answer is it is tax deduction account number. That is what is the full form. But let's have the next question. B I F P C L stand for. What is the full form of bifpcl I'll give you five seconds again. 5, 4, 3, 2, 1. one. And the answer? The answer is. It is Bangladesh India Friendship Power Company. That is what is the correct answer. Next question. BIF, BIF PCL is a joint venture of uh, which two organizations? Cost organizations ka BIF PCL a joint venture hai? I'll give you again five seconds. And the answer? The answer is it is NTPC and the Bangladesh Power Development Board. That is what is the correct answer. Next question. And now we come to the rapid fire. Yes, we have now the rapid fire. Remember, this rapid fire does not have the headlines of today, but it is a random set of questions based on the current affairs. So let's start with the quiz of the rapid fire. Let's have the first question Who has won the 2017 Formula One Chinese Grand Prix? I'll give you five seconds again. And the answer the answer is it is Lewis Hamilton. Next question. Which company has been named the official innovation partner for the 2017 ICC Champions Trophy 2017? And I'll give you 5 seconds again. And the answer the answer is it is Intel. Next question Which state government to launch cheap food canteen Annapurna Bojanale? Now, this particular thing is very close to my state. So the question is Sarkar Annapurna Bhojnale को को लॉन्च किया है एक फूड कैंटीन को जहाँ पर तीन रुपये पाँच में खाना मिलेगा अमेजिंग फीट आई गिव यू फाइव सेकेंड्स अगैन एंड दी आंसर द आंसर इज इट इज उत्तर प्रदेश दैट इज वॉट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Who is the author of the book Gandhi in Champaran? Remember, three books were relaunched by Venkayya Naidu by the government. Unmesh ek book hai, Gandhi in Champaran. So, question yaha par hai, who is the author of the book Gandhi in Champaran? That is what is our question. I'll give you five seconds. And the answer, the answer is, it is Mr. D.G. Tendulkar. Remember the word Tendulkar, you will remember everything. Next question. which portal has been launched by the Survey of India that offers free download of Indian maps? कौन से पोर्टल को सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया है जिससे कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं भारत के मैप्स करीब 3000 थाउजेंड मैप्स आई गिव यू फाइव सेकेंड्स अगैन एंड द आंसर द आंसर इज इट इज नक्शे द नक्शे पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ वट इज़ द वेब पोर्टल नेक्स्ट क्वेश्चन आर यू लविंग द न्यू चेंज और नॉट इफ यू आर लविंग द न्यू चेंज टाइप ओके क्वेश्चन है विच कंट्री हैज एग्जीक्यूटेड मोस्ट पीपल इन टू जीरो ग्लोबल रिपोर्ट डेथ सेंटें टू जीरो कौन सी कंट्री ने एग्जीक्यूट किया है मैक्सिमम पीपल दो हजार सोलह में सवाल हमारा यहां पर यह है आई गिव यू फाइव सेकेंड अगैन एंड द इट इज चाइना यस, दैट इज वॉट इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल यहां पर यह सही आंसर है आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर And now we have an image that has been sent to us by Mehul Parmar. Uh, thank you so much for all the all the different, uh, all the different uh, mails that you send us. We have around 50 images from you. We want more images. So you can send me your motivational quotes at kush.pande at 247.com. And this quote is by Mehul Parmar who has sent us this particular image. Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. बहुत अच्छा लिखा हुआ है सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम अ फेलियर टू द अदर फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ एंथुजियाजम दैट आई कैन कैटेगोरिकली स्टेट इन दिस शो एज वेल व्हेन वी स्टार्ट दिस शो द शो फॉर्मेट वाज वेरी रॉ देन वी लेट टू सर्टेन चेंजेस एंड नाउ वी हैव अ वेरी वॉट टाइट शो वी आर ट्राइंग टू मेक इट मच मोर बेटर फॉर एवरी वेल दैट इज वॉट इज दिस पर्टिकुलर लाइन कोर्स दैट सफलता का जो एक मकसद है उसका जो एक आ, एक जर्नी है उसमें एक असफलता से दूसरे असफलता, अस, दूसरे असफलता की ओर जाना बिना किसी आ, बिना किसी आशा की कमी के तो इफ़ यू हैव इफ यू वांट टू सक्सीड दिस इज व्हाट इज रिटेन हियर कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुजियाजम I tried, I failed. No matter, I failed. I will try again. That should be the motto of Randy. This is Kush Pandey. You can mail me your motivational images on kush.pandey at alta 247com and we would use it in our show. We would have around 50 images. One by one, we would use it in our show. This is Kush Pandey. Thank you so much for uh, being a, for being a participant in this particular show. And watch us again in the BBM. Peace out.